हेलो एवरीवन दिस इज़ डॉक्टर सैम पी एम सी की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट की गई है uh, और ये अनाउंसमेंट जो है ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए मेडिकल स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग एफ एस सी स्टूडेंट्स उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉटेंट है uh, देखिए जी इसमें क्या है कि पी एम सी की तरफ से uh, एक पॉलिसी uh, डिसीजन लिया गया है बारह अगस्त को और ये क्या है और ये किसने डिसाइड किया है कौन सा डिसीजन ऑन पासिंग परसेंटेज आप नेशनल एक्लेंस बोर्ड एग्जाम इसको नेब एग्जाम कहते हैं ठीक है अब देख लीजिए ये क्या है और ये किन स्टूडेंट्स के लिए होता है ताकि वो पाकिस्तान में जो है एडमिशन ले सके आ, किस तरह आप लोग इसमें नेब के जरिए पाकिस्तानी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं तो देखिए जी इस एग्जाम को कहते हैं नेशनल एक्वेलेंस बोर्ड एग्जाम पीएमसी ने क्या किया है कि इसका जो पासिंग परसेंटेज था उसको 50 परसेंट जो है अप्रूव कर दिया गया है अब अगर एक स्टूडेंट जो है बाहर कंट्री में जाता है सबसे पहले ठीक है फिर वहाँ से वो चाहता है कि नहीं मैं पाकिस्तान में पढ़ना चाहता हूँ और दोबारा पाकिस्तान आना चाहता है जो एफ एम जीज़ है फ़ारन मेडिकल ग्रेजुएट्स या मतलब जो ग्रेजुएशन के लिए बाहर गए हैं और वो चाहते हैं कि हम पाकिस्तान आ जाए तो वह थ्रू नेब एग्ज़ाम जो है पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेज़ में uh, माइग्रेट हो सकते हैं ठीक है अब ये मैं नहीं कहूँगा कि इसके फ़ायदे क्या हैं नुकसान क्या है, है? जाहिर बात है कि ऑलरेडी एक सिचुरेटेड सिस्टम चल रहा है पाकिस्तान में हेल्थ का सिस्टम और उसको फर्दर जो है सिचुरेट किया जा रहा है ठीक है तो एक अजीब सी सिचुएशन है पाकिस्तान में जो है ऑलरेडी मेडिकल कॉलेज़ में जो एडमिशन टेस्ट होता है एम कैट तो उसकी थ्रू एडमिशन दी जाती है लेकिन अगर एक स्टूडेंट जो है इस क्राइटेरिया पे बिल्कुल नहीं उतरता ठीक है तो उन वो स्टूडेंट जो है मोस्टली वो जाते हैं फ़ॉर में ठीक है अब फ़ॉर में जाहिर है कि जो फ़ॉर में चले गए हैं उनका मेरिट पाकिस्तान में नहीं बनता तो फिर जो है उनको दोबारा सा एक चांस दिया गया है कि वो दोबारा से पाकिस्तानी मेडिकल कॉलेजेस में जो है शिफ्ट हो सकते हैं ठीक है और उनके लिए जो है ये एग्ज़ाम रखा गया है निब एग्ज़ाम तो क्या ये जो एग्ज़ाम है ये एम डी के थ्रू यानी कि एम डी केट के लेवल के मुताबिक लिया जाएगा क्योंकि अगर बहुत सारे स्टूडेंट जो है एकदम बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो फिफ्टी परसेंट क्राइटेरिया को अचीव करते हैं तो उनको फिर कहाँ एकामोडेट किया जाएगा क्योंकि ऑलरेडी जो है सीट्स कंप्लीट होती हैं तो उनके लिए अलग सी सीट्स रखते हैं आ, देट्स नॉट स्टिल आई डोंट नो मुझे नहीं पता कि इसमें कौन सी ऐसी बात है लेकिन एक बात है कि एक सिस्टम जो है उसमें बहुत ज़्यादा इनफ्लक्स आ रहा है बाहर से और वो सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्टूरेट कर सकता है ऑलरेडी आकोपाइड स्टूडेंट्स के लिए तो जाहिर है कि लास्ट में जो है उन्होंने एन ए रखा हुआ है फिर एन ए ले थ्रू जो है बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो पास और फेल हो जाते हैं तो एक जगह पर वो ऑलरेडी एंट्री बहुत आसान बना रहे हैं मेडिकल कॉलेज तक क्योंकि चांस पे चांस बहुत ज़्यादा चांसेस मिल रहे हैं ठीक uh, है लेकिन एंट्री तो हो जाती है लेकिन एट द एंड जो है वो आपको इन्हे सामने रहा के रख देते हैं तो फिर जो है दोबारा से एक टेस्टिंग प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं चले जी बेस्ट वेशज टू हु आर स्टडिंग इन फॉरन एंड बेस्ट वेशेज फॉर योर नेवी एग्जाम